मेरे प्यारे दोस्तों, पंजाब में सिद्धू के साथ ही खेला हो गया है। ना तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही बन पाए और ना ही अपने पसंद के कैंडिडेट को चुनाव में उतार ही पाए, क्योंकि पहले से जो एमएलए थे उनका टिकट नहीं काटा गया है और सिर्फ 4 लोगों का ही टिकट काटे गए हैं जो 2017 के चुनाव से चुनकर आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धू अपने सपोर्टर्स को चुनाव का टिकट तक नहीं दिलवा पाए। पंजाब में मुख्यमंत्री के लिए हाईकमान ने तीसरा ऑप्शन भी ढूंढ लिया है, प्रताप सिंह बाजवा, जो भी पंजाब से चुनाव लड़ रहे हैं। वो 2017 के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, पर उस समय कैप्टन अमरेंद्र मुख्यमंत्री बने। वो अभी राज्यसभा में हैं और एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं और ये राहुल गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हाईकमान ने तीसरा ऑप्शन ढूंढ लिया है। सिद्धू को बड़बोलापन इस बार बहुत ही भारी पड़ा। आपको बता दें, कुछ दिन पहले सिद्धू ने पंजाब मॉडल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हें किसने कह दिया कि मुख्यमंत्री हाईकमान बनाता है, मुख्यमंत्री तो पंजाब की जनता तय करेगी। ये चुनौती सिद्धू को ही भारी पड़ गया, क्योंकि हाईकमान ने सिद्धू की सारी हेकरी ही निकाल दी। क्या चन्नी और सिद्धू के बीच में बाजवा कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं? क्या आप फिर से सिद्धू कांग्रेस को छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्योंकि अब कांग्रेस में रहकर तो इनका सपना पूरा होने वाला नहीं है, उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी दे मारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।